देख रहे हैं जेटीवी न्यूज। देश भर में लगातार कृषि किसान विधेयक बिल को वापस लिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी विरोध प्रदर्शन का असर जनपद इटावा में देखने को मिला। वही इटावा में किसानों के नौजवान बेटे किसान विधेयक बिल को वापस लेने को लेकर नेशनल हाईवे 2 पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान हाईवे पर जाम लगाना शुरू हो गया, जिसकी सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिली वैसे ही प्रशासन हरकत में आया और नेशनल हाईवे 2 को पहुंचा, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने हाईवे पर किसान विधेयक बिल को वापस लेने की मांग को लेकर जाम किए गए हाईवे को खुलवाया। वही किसानों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर उसमें ज्ञापन पत्र भी लिया। किसानों के नौजवान बेटों ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया और सरकार से मांग की किसान विधेयक बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो आगे भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी दावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। आंदोलन चल रहा है, क्या समस्याएं कुछ है उस संबंध में? अपने आप ज्ञापन दिया, अपने ज्ञापन ले लिया है, जाम लगा नहीं था, जाम नहीं लगा, कोई कोई जाम जीते नहीं है, जाम लगाने की तैयारी थी, लगा नहीं खोल दिया। सर जिले में एक कार्रवाई होगी? अरे कार्रवाई जो होगी निमानसार होगी, क्या पाएगा? ठीक है, समझा जाएगा, लड़के हैं, लड़के हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनको भी अनुभव नहीं चीज का है, बता दिया जाएगा, धंधा करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी।